हम लोग अभी, मेरा नाम है महबूब शाह, मैं कांदिवली दामोनगर में रहता हूँ। दूसरी बात क्या है कि अभी मैंने कुछ अभिजीत राणी साहब को हम लोग ने मीटिंग की, बोले ये तो हम लोग ने जो मदद की है, जैसा कि हर रास्ते में हमें पुलिस वाले रुकाते थे, डंडे मारते थे, लेकिन हमको एक ऐसा एक पेपर बना के दिया गया था कि हमने गाड़ी के आगे लगाए थे कि उसके अंदर कुछ राशन थे, चावल थे, दाल थे, तेल वगैरह, कुछ राशन के जो चीज़ें थे वो हम लोग पहुँचाते थे और उनको उनके घर तक, गली तक पहुँचा के उनके घर तक देते थे। और अपंग जो होते, जो अंधे लुंगे जो बहरे जो होते ना अपंग लोग, उनके तक भी हम लोग ने पहुँचाए और उनके लिए तो हम लोग ने ज़्यादा कुछ किए। और दूसरी बात, अभी मैं अभिजीत राणे साहब को वो भी एक बात बताया कि अभी हम लोग रिक्शा वाले, टैक्सी वाले जो है शुरू से रिक्शा लाइसेंस बैज लेके चलते चलाते हैं, तो हमारे लिए भी आगे कुछ सरकार से कुछ हमारे लिए भी विनती करें कि हमको, जैसा कि जो कामगार हॉस्पिटल के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए होता है उनको कार्ड मिलता है, या उनको कुछ मतलब दवाखाने में उनकी फैमिली के लिए मिलता है, तो हमारे फैमिली के लिए भी हमको कुछ करे, हम रिक्शा वाले के लिए भी कुछ करे। कुछ हमने ऐसा अभिजीत राणे साहब से भी वो बात की है, और जैसा कि हमको कार्ड बना के मिले तो हमारे बाल बच्चे हैं, माँ है, बाप है, बीबी है, तो उनको कार्ड में कुछ 1-1 लाख रुपया कुछ होता है, जैसा कि कोई ऑपरेशन करना है तो छोटा मोटा भी 50,000 लाख रुपया होता है, तो हमको भी कुछ कम करके मिले, तो हमको भी ऐसा कार्ड मिले तो हमारा कुछ ये हो जाए ना। नहीं तो रिक्शा चलाने से किसी की कमर दुखती है, कभी किसका पैर दुखता है, तो कभी किसका पेट दुखता है, तो उनकी उम्र ऐसी निकल जाती है। तो आप लोग से भी विनती में मैं बोला तो रिक्शा वाले की मदद करने के लिए कोई नहीं आया आगे, और हमारे यूनियन के जो धड़क यूनियन के अभिजीत राणे जी है वो हमें कुछ राशन दिए रिक्शा वाले लोगों को देने के लिए। उसमें मैं और हमारे रिक्शा बोले तो मैं रिक्शा जयकोच यूनियन का अध्यक्ष हूँ, मैं और मेरे रिक्शा चालक सब मिल के, हमारे रिक्शा वाले विरार तक रहते थे, वो हमारे सब रिक्शा वाले कार्यकर्ता कुछ मिल के, वह जो मेंबर हमारे विरार में रहते थे, विरार तक हमने अभिजीत राणे का दिया हुआ राशन हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया है। मैं धड़क यूनियन का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे राणे साहब ने जो काम किया कोरोना काल में, यहाँ की सरकार भी ने वैसा काम नहीं किया, जो जो रिक्शा वालों को हर चीज़ की मतलब क्या है, कोरोना काल में पैसे के से लेके राशन की समस्या को राणे साहब ने हल किया, सबको दिया, और मैं ले जाके सबको मतलब कोरोना काल में लेके सब हमारे मतलब रिक्शा वाले भाइयों को मैं जाके वितरित किया। इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सोचता हूँ कि ऐसे धड़क यूनियन बम्बई में अगर कहीं ज़्यादा से ज़्यादा में अपना विकास करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग का मदद करने के लिए कोई आगे आया नहीं, रिक्शा चालकों के लिए कभी कोई पूछा नहीं। मैं न्यूज़ में सुनता था कि भाई चलो दिल्ली में है, वहाँ की सरकार रिक्शा वालों को 5,000 रुपये का मतलब दे रही है, लेकिन यहाँ की सरकार हमारे रिक्शा भाइयों के लिए उनकी क्या हालत है, वो कैसे जी रहे हैं, इसके बारे में यहाँ की सरकार ने कभी सोचा नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि भाई अभी भी समय है, सरकार कुछ इसके बारे में सोचे। हम लोग बांटते थे, अभी उस समय का समय जो ऐसा था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर जो ये अभी राणे साहब ने जो किया था ये चीज़ को, उससे तो बहुत लोगों को बहुत ही समझो कि फायदा हुआ, कम कम जो है नहीं कुछ तो 10-15 दिन खाने के लिए तो कम कम हो गया था। सर आप क्या कहेंगे? हम लोग जो है मेहनत करके अपना गोरेगांव से पूरा सामान भर करके और जगह जगह लोगों तक पहुंचाते थे, जो ज़रूरतमंद लोग रहते थे सबको पहुंचाते थे, और कोरोना काल में कोई बाहर निकलता नहीं था, लेकिन हम लोग अपने जान जोखिम में डाल करके जान जोखिम में डाल करके और पब्लिक की सेवा कर रहे थे, और साथ के साहब और मिश्रा जी के साथ कंधा में कंधा मिला करके हम लोग जो है मतलब पब्लिक तक पहुंच रहे हैं। लोगों को मदद करना, और मैं मूल रूप से आज जो कम्युनिटी को लीड करता हूँ, जो कामगार वर्ग है, उस कामगार वर्ग के जो रिक्शा चालक और मालक, एक शोषित पीड़ित वर्ग था उस समय का, उसमें धड़क ऑटो रिक्शा चालक मालक संगठन जो है, जो मुंबई शहर में लगभग 40,000 से अधिक रिक्शा वालों का नेतृत्व करता है, और बहुत कठिन समय से ये रिक्शा चालक मालक उस वक्त में गुजर रहे थे,
उस समय बहुत से हमारे साथ जुड़े हुए रिक्शा वाले चालक मालक आक्रामक थे लोगों को सेवा करने में, लोगों को सेवा देने में, और उन 10 लोगों को हमने यहाँ पर हमारे यूनियन के माध्यम से सम्मानित किया, जहाँ पर हमने उनको एक सर्टिफिकेट, 3,000 रुपया रोक राशि और उनको एक मोटिवेशन देने का काम किया है। मेरे साथ हमारे फैमिली के सदस्य विनोद शेलार जी, जो हमारे प्रभाग के लीडर है और मुंबई के सेक्रेटरी है, यहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रेड यूनियन में जब हम काम करते हैं तो वर्कर्स से डायरेक्ट इमोशनल एक आपका बॉन्ड होना चाहिए। और मैं मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में लगभग 7 लाख से अधिक वर्कर्स का नेतृत्व करता हूँ, जहाँ पर रिक्शा टैक्सी एक हमारी सेगमेंट है। संगठित असंगठित क्षेत्र में बहुत वर्कर्स आते हैं, जिसमें ये हमारी एक विंग है। और आज रिक्शा वालों का भाड़ा बढ़ाने का एक पहल सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, मगर आज इस बात को भी लगभग 3 महीने हो चुके हैं। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के पर्यावरण ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 2 रुपया बढ़ाने के लिए वो बहुत वेरी पॉजिटिव, मगर बहुत से संगठनों ने उस पर विरोध किया है। जो संगठना रिक्शा वालों के हित में विरोध में जाएगी, उसको धड़क कामगार यूनियन अपने स्टाइल से उसको जवाब देगी निश्चित तौर पर। और अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की है, बहुत से रिक्शा वाले आज ओला उबेर के जैसे डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, और ओला उबेर रेगुलर रिक्शा, जब आप रेगुलर रिक्शा में जाते हो तो वहाँ पर अगर आपका फेयर 200 रुपया होता है तो ओला उबेर आपको 150 रुपये में जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर होता है वो जो सस्ता मिलता है उसको प्रेफर करता है। तो हमारी मांग है कि अगर आप ओला उबेर से जाते हो तो जिन रिक्शा वालों को ओला उबेर का डिवाइस यूज़ करना है तो आप ओला उबेर का ही डिवाइस यूज़ कीजिएगा। जिनको रिक्शा का रेट कार्ड चलाना है वो रेट कार्ड चलाएंगे, और इस पर एक बहुत बड़ा हम आंदोलन पुकारने वाले हैं। आज उस पर हमने चर्चा की। मुझे लगता है धनराशि एक मोटिवेशन होता है, पैसा कोई मायने नहीं रखता, उनको एक मोटिवेशन, उनको एक प्रोजेक्शन। और जो बाकी के लोग हैं उनको भी ऐसा लगता है कि अगले साल हम भी इसके एक इनाम के हकदार होंगे। नहीं, मुझे लगता है कोरोना सब लोगों पर इफेक्ट हुआ है, तो जिस वर्क को मैं लीड करता हूँ उनके बारे में बोलना मेरा काम है। निश्चित तौर पर आज ही केंद्र आरोग्य मंत्री ने अनाउंस किया है कि कोविड के जितने भी वैक्सीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। सबको नहीं मिलेंगे, खाली फर्स्ट फेज में मिलने वाले हैं। नहीं, इट इज़ अ ब्लैंक, नहीं इट इज ओपन, आज सबको मिलेगा, सबको नहीं नहीं सबको बोला हुआ। विनोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से धड़क कामगार यूनियन लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं, और जिन लोगों ने कोरोना काल में काम किया उन्हें आज यहाँ सम्मानित किया गया, आप उन्हें हाथों से अवार्ड दिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या फील करते हैं? देखिए, धड़क यूनियन का नाम ही धड़क है, उनका काम में भी धड़क होती है, और यूनियन यानी लोगों को साथ में रखना, साथ में आगे बढ़ाना, इसका ही नाम यूनियन है। और संकट के समय कोरोना में पूरी दुनिया जल रही थी, तब मुझे लगता है धड़क यूनियन के सभी जो मेंबर्स है वो लोगों को अपने मंजिल तक लेके जाने का काम कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, बसेस बंद थी, ट्रेन बंद थी, उस वक्त हमारे रिक्शा वाले लोगों को अपने मंजिल तक लेके जा रहे थे। तो ऐसे लोग जो ऐसे संकट के समय लोगों के लिए आते हैं, उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। मैं अभी एक भाषण देके वही आया, वहाँ पर मैंने कहा कि जो लोग जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, और जो लोगों के लिए मरता है वो निरंतर जीता है। तो ऐसे जो लोगों के लिए मरने वाले जो लोग हैं उनको
ध्यान में रखकर उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। और यह पहल मेरे मित्र अभिजीत राणे जी ने की है, बहुत ही काबिल तारीफ है। इन सच पूछे तो मेरे मन में ये था कि महाराष्ट्र सरकार ने इन रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को लिए कुछ न कुछ करना चाहिए था, ये मांग भी थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस महाराष्ट्र सरकार ने वो किया नहीं। कई अन्य राज्यों के सरकार ने अपने यहाँ जैसे किसानों को थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं, वैसे ये ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र के किसान हैं, उनके लिए मदद उन्होंने करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस विषय को अभिजीत जी लेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। तो विनोद जी, आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों की मदद नहीं की है, मतलब बाकी लोगों की मदद लगता है आपको कि ये खाली रिक्शा चालकों की मदद नहीं की है? नहीं, वैसे कोविड के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह इस विषय को हैंडल किया, मेरी बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ यूनियन के लेवल तक है। नहीं तो महाराष्ट्र में कोविड इस लेवल तक बढ़ता नहीं था जिस लेवल पे बढ़ा है, और मुझे लगता है थोड़ा इसको हैंडल करने में थोड़ी कामयाबी नहीं मिली है इनको। बहुत सारे फ्लॉस थे, अनाज बिनाज भी वक्त पे लोगों को मिला नहीं, आईसीयू मिलने चाहिए थे तब मिल नहीं रहे थे, एडमिशन्स मिल नहीं रहे थे, अभी तो कोविड सेंटर सब खाली के खाली पड़े हुए हैं। वो किसके लिए बनाए अभी उसके विषय में मैं कभी बात करूंगा, उसमें क्या क्या हुआ वो सब एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमारे बहुत सारे ग्रीवेंसेस महाराष्ट्र सरकार के विरोध में इस विषय के लिए है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से धड़क कामगार यूनियन द्वारा पहले तो लोगों की मदद की गई, लेकिन उस दौरान जिन लोगों ने काम किया उन्हें सम्मानित किया जा रहा, आप क्या कहना चाहेंगे? जरूरत था एक बात की, मैं आज कोरोना के तरफ में देखते हुए बहुत लोग परेशान था, आज कोई भी ट्रैफिक नहीं था जाने के लिए, कोई भी रास्ता नहीं था, तभी जिस लोगों ने काम किया है उसको सम्मानित करना, ये तो अपना यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हमारा काम ही है। एंड जैसे ही धड़क कामगार ने जो कदम उठाया वो उसको उत्तेजन देने के लिए बहुत ही अच्छा है कि उसके लिए आगे भी वो सामाजिक काम करके, सामाजिक बांधिल की अपना रख के वो जो काम करे उसको सम्मानित होना ही चाहिए, उसके लिए हम साथ में है ही। थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।